अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल बकरीद सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, 1 किलो से ज़्यादा है ये पाने। मैं इसे धोकर अच्छे से साफ़ कर रख ली हूँ। मैं देखिए, गोश्त भी लगे हुआ है इसमें, गोश्त भी थोड़ा सा लगे हुआ रहना चाहिए। सूप बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी मैं आपको। ज़्यादा मेहनत लगने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा चीज़ कुछ लगने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको इजी से बताऊंगी। 2 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं पहले से, मैं इसे धोकर रख ली कुकर में। और छोटे चम्मच से नमक डाल रही हूँ। 2 चम्मच डाली मैं, थोड़ा सा कम डाली। 2 चम्मच डालूँगी मैं हल्दी। देखिए, अब मैं डालूँगी ये मसाले। डालूँगी मैं सूखे मसाले, डालूँगी स्टार के फूल, डालूँगी दालचीनी, डालूँगी जौजात्री, वो डालूँगी साजिरा, डालूँगी काली मिर्च, डालूँगी क्योंकि काली मिर्च से ही बनता है ये। काली मिर्च डालूँगी, ये सब डालूँगी। कबाब चीनी भी डालूँगी क्योंकि लाल मिर्च नहीं डालूँगी मैं इसमें। ये काली मिर्च पीसी हुई भी डाल रही हूँ मैं। काली मिर्च पीसी है, बिना पीसी हुई भी डालना चाहिए। पीसा हुआ गरम मसाला है और पीसी हुई इलायची है, ये हरी इलायची। बस इससे ही तेज़पन आता है। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूँगी। 1 गिलास से ज़्यादा, 1.5 गिलास पानी भी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। और हिलाऊँगी इसे अच्छे से, पूरा मिक्स कर लूँगी। क्या लाल मिर्च नहीं डालना चाहिए क्योंकि सूप थोड़ा सा फीका और मीठा सा लगता है। इसमें कबाब चीनी, पीसी हुई काली मिर्च, बिना पीसी हुई काली मिर्च और सूखे मसाले डालना चाहिए। सूखे मसाले मतलब दालचीनी, कबाब चीनी, ये सब डालना चाहिए। और अच्छे से बनता है, सिर्फ यही तलते हैं इसमें। और देखिए, मैं 2 पल्ली तेल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि पहले से इसमें से तेल बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट से छूट जाता है ना, इसलिए मैं कुकर का ढक्कन लगा लूँगी। 4 से 5 सीटी लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी। और इसमें दलता है। और एक चीज़ बताऊँगी, बादाम ली 15 से 16 बादाम ली, काजू ली, थोड़ी सी खसखस ली मैं। इसको मैं भून कर पीसूंगी मैं इसे। देखिए, हरी मिर्च ली 5 से 6 ली, कोथमीर पुदीना भी कट करके रख ली, ये मैं बाद में डालूंगी, पहले गला लूंगी उसके बाद डालूंगी मैं ये। देखिए, 5 से 6 सीटी हो गए। अब मैं देखूंगी माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहा है। देखिए, अभी से कलर आने लग गया है सूप का, माशाल्लाह। देखिए, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी नई नई रेसिपी आपको मिलते रहेंगी। देखिए, गल गया। देखिए, गर्म है ना, थोड़ा सा पानी डालकर देखूंगी मैं। बकरीद में तो बहुत सारा कुर्बानी का गोश्त रहता है। आप कभी सूप पीना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे, तो मैं जैसा बनाई वैसा आप बनाइए ज़रूर। देखिए, अच्छे से गल गया ये, मैं पीस ली हूँ, थोड़ा सा भुनकर पीस ली मैं काजू बादाम, खसखस किससे टेस्ट आता है। अब मैं इसे बाजू रख डालूँगी, बाद में डालूँगी, अभी नहीं। फिर से देखूँगी मैं इसे, क्योंकि थोड़ा सा गलने का था, थोड़ा सा लाइट, तो इसलिए 1 से 2 सीटी ली मैं। फिर से देखूँगी खोलकर गल गया या नहीं। पूरी कुकर की हवा निकाल कर खोलना चाहिए अपने को, रिक्स नहीं लेना चाहिए कुकर से। देखिए, माशाल्लाह कलर कितना अच्छे से आ गया है। देखिए, माशाल्लाह सूप का कलर दिख रहा है। देखिए, हड्डी में से गोश्त भी निकल के आ गया है, माशाल्लाह अच्छे से लग रहा है। अब मैं एक भगोना ले लूँगी, भगोने में पलटा लूँगी ये। जो कुकर में से निकालना, सिर्फ कुकर में ही गलाने के लिए रखती हूँ, गला लेती हूँ, गलाए बाद से भगोने में निकाल लेती हूँ। देखिए, माशाल्लाह अच्छे से गल कर तैयार हो चुकी है अपनी रेसिपी है। सिर्फ आधा ही काम हुआ है और बाकी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, 1/2 लीटर पानी डालूँगी मैं, 1 लोटा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही लोटा डालूँगी। देखिए, और फुल फ्लेम पे रखूँगी मैं। देखिए, फुल पे रखूँगी मैं, कितने अच्छे से। देखिए, अब पीछे तीर आ गया, चिकनहाट भी आ गई। अब इसमें कोथमीर पुदीना हरी मिर्च डालूँगी मैं। ये अच्छे से जब पकने लगेगा तो मैं जो पेस्ट पीस कर रखी हूँ बादाम काजू का, खसखस का, वो जब मैं डालूँगी अच्छे से पकने लगेगा तो। देखिए, 10-15 मिनट के बाद देखूँगी मैं इसे, फुल फ्लेम पे रख दी। देखिए, अच्छे से पक रहा है।
देखिए इसका कलर धीरे धीरे आता है, अभी जो पक रहा है ना, अभी मैं इसमें डालूँगी पेस्ट डालूँगी। पेस्ट डालने के लिए थोड़ा सा उसे मैं पानी डालकर ऐसा बना लूँगी। मैं घट डालने तो पूरे लुंडे लुंडे बन जाते हैं, पकते गए ऐसा ऐसा डालना चाहिए उसे। अच्छा पानी डालकर अच्छा मिक्स कर डालना चाहिए इसमें। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहा है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार था। मेरे बच्चे तो बोल रहे थे मम्मा बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार है। मम्मा जब भी आप रेसिपी बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, खाकर तो हमारा पेट फुल हो जाता है, बोलते मेरे बच्चे। देखिए फिर से ये पकने लग रहा है, देखिए 10 मिनट के बाद देखिए मैं, देखिए कितने अच्छे से तीरा भी आ गया, पकने लग रहा है। मैं इसे सिम पर रख डालूँगा, 10 से 15 मिनट ही देखना चाहिए। दाले बासे पेस्ट काजू बादाम का, देखिए माशाल्लाह मैं सर्व करूँगी, सर्व करके बताऊँगी मैं आपको। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना। देखिए आप भी घर में बनाइए, आप भी टेस्ट कीजिए, मैं जैसा बनाइए वैसा तरीके से। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहा है ना। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए सूप का कलर आया ना, सूप के जैसे ही लग रहा है ना, तो अपन सूप भी तो बनाए हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से लग रहा है। देखिए मैं इसके ऊपर कोतमीर पुदीना भी डालूँगी थोड़ा सा, देखिए और कितने अच्छे से लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।